अर्हत वांग्मय में कहा गया है, जहाँ ये त्रीणि वणिया मूलम घेतून निगया, एगोत्थ लहई लाभम एगो मूलेन आगो, एगो मूलम पि हारित्ता आगओ तत्थ वाणिओ व्यवहारे उवमा एसा एवं धम्मे बयान है आश्रय। मनुष्य जन्म मिलना बहुत अच्छी और बड़ी बात हो सकती है। अब एक प्रश्न है, मनुष्य जीवन पाकर मनुष्य जीवन किस प्रकार का जीता है? एक आदमी ऐसा जीवन जीता है जो पाप प्रधान है, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग व्यसन नशा आदि आदि, इतना अधर्म का जीवन है कि वह आदमी मर कर के नरक अथवा तिर्यंच गति में जाकर पैदा हो जाता है। कुछ मनुष्य ऐसे भी हो सकते हैं तो बहुत विशेष कोई पाप भी नहीं करते और कोई खास धर्म भी नहीं करते और मर कर के वे वापिस मनुष्य जीवन को प्राप्त हो जाते हैं। और कई ऐसे मनुष्य जो धर्म करते हैं, साधु बन जाते हैं, कोई श्रावकत्व का अच्छा पालन करते हैं और भी तपस्या निर्जरा कुछ करते हैं और वे मर करके देव गति में या कोई मोक्ष में भी चले जाते हैं। तो मनुष्य जीवन पाकर नरक में जाना, त्रियंच गति में जाना, ये तो ऊपर से नीचे जाने की बात हो गई, गिरने की बात हो गई, पतन की बात हो गई। और मनुष्य से वापिस मनुष्य बन जाना ये सामान्य बात, न पतन की बात है न ऊर्ध्वारोहण की बात है। मनुष्य जीवन से मोक्ष में चले जाना तो सर्वोत्तम बात है, सुप्रीम बात है। और अच्छी देवगति में जाए वह भी एक विशेष बात हो जाती है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मेरा जीवन किस प्रकार का है। नरक त्रियंच में ले जाने योग्य है या वापिस मनुष्य बनाने वाला है या देव गति अथवा मोक्ष में ले जाने वाला है, किस प्रकार का मेरा जीवन क्रम है, जीवन शैली है, जीवन का आचरण है। एक सेठ था, तीन उसके बेटे थे और सेठ ने तीनों से कहा कि अब मुझे तो कुछ उम्र आ गई है, 80 के आसपास हूँ, अब इधर उधर जाकर व्यापार धंधा करने की कोई मानसिकता नहीं है, शरीर की भी इतनी सक्षमता नहीं और धार्मिक रुचि भी ज़्यादा है, ज़्यादा धर्म ध्यान में समय लगाने की इच्छा है, और फिर यहाँ रहूँगा तो परिवार को घर को भी मैं यहाँ रह करके संभाल सकता हूँ। तीनों हेतु हैं, एक तो शरीर की इतनी सक्षमता नहीं है कि ज़्यादा भागदौड़ कर सकूँ, 80 के आसपास हूँ, दूसरी बात अब इतनी उम्र आ गई, अब ज़्यादा समय धर्म ध्यान में लगाने की है और सांसारिक कामों में समय कम लगे, ऐसी भावना है। तथा तीसरी बात है कि यहाँ रहूँगा तो गांव में रह करके घर को परिवार को जो यहाँ घर में रहते हैं उनकी सार संभाल करने की जिम्मेवारी भी मैं वहन कर सकूँगा जब तक शरीर ठीक रहेगा। परंतु तुम मेरे तीन पुत्र हो, सेठ के तीन पुत्र थे, तुम्हारी अभी उम्र है, अभी कमाई का समय है, तुम तीनों जाओ कहीं कमाई धंधा करो,
अर्थार्जन करो, यह तुम्हारा यौवन का जवानी का समय है। पिताजी जो आपका निर्देश स्वीकार है, तो देखो मैं हजार हजार रुपये तीनों को रकम दे देता हूं, हजार रुपये ले जाओ, फिर जो हो सके काम धंधा करो, कमाई करो, हजार से कई हजार बनाओ, ऐसा प्रयास करो। तीनों पुत्रों को पिता ने हजार हजार रुपये दे दिए और जल्दी ही तीनों को रवाना भी कर दिया। सेठ ने कहा आने की जल्दी मत करना, आने की जल्दी नहीं है, भले 12 बरस 13 बरस लगे अच्छी कमाई करके आने का प्रयास, 12 बरसों से पहले तो आना ही नहीं है, बाद में आना। कहा पिताजी जैसा आपका आदेश है हम तो वैसा ही करना है। कहा जाओ अच्छी तरह जाओ। पिता ने खूब सबके एक पीठ थपथपाई और विदाई दे दी। तीनों पुत्र एक बड़े शहर में पहुंचे। आज जैसे ये मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, बड़े बड़े और शहर, बेंगलोर है, कई शहर हैं उधर, कोलकाता आदि, जहाँ लोग धंधा व्यापार करते हैं। तो तीनों एक बड़े शहर में गए, तीनों ने बैठ करके मीटिंग की कि धंधा साथ में करना अलग अलग करना। तीनों बोले पिताजी ने अलग अलग दिए है रुपये, सोचा तो हमको धंधा अलग अलग करें तो अलग अलग करें, साथ में नहीं करना। जो कमाएगा वो उसका होगा, कोई सिर वाली बात, जो कमाएगा वो उसका है, जो जितना कमाएगा उस पर अधिकार उसका है। हाँ पिताजी को जो देंगे सो दे देंगे घर में, बाकी हम तीनों भाइयों में कोई लेन देन नहीं, अपना कमाया हुआ अपना। तो वापिस मिलना कब ना, छोटा भाई बोला मिलने की जल्दबाजी नहीं करना, 12 बरसों बाद ही मिलेंगे, अब अलग अलग काम करो अपना, कि यह स्थान है इस शहर का, इस जगह 12 बरसों के बाद अमुक दिनांक आएगी, अमुक सन में उस दिन सबको यहाँ मिलना है, इसके पहले सहज में मिल गए तो मिल गए, मिलने का प्रयास नहीं करना है, निर्णय कर लिया तीनों ने। अब तीनों अलग अलग दिशा में चले गए। बड़ा भाई एक जगह जाकर के पेड़ के नीचे बैठा, सोचा कि काम धंधा करने की बात है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे क्या काम धंधा करूंगा। आज कितनी पढ़ाई होती है, कोई CA, कोई MBA, कोई कुछ, कोई इतनी बड़ी बड़ी बीकॉम और बीकॉम क्या और क्या MCOM, कितनी पढ़ाइयाँ। तो उसने सोचा मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, एकदम नॉर्मल 1-2-3 क्लास बाकी पढ़ा हुआ नहीं हूं। संस्कृत में कहा गया माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न साधित है। वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो बच्चे को पढ़ाते नहीं है, वो साधित नहीं करते हैं, मानो संस्कार नहीं देते हैं। अब वह सोचता है अरे पढ़ाई लिखाई नहीं की, अब क्या कैसे काम धंधा करूं। अब कई बार वो दिनमान भी अनुकूल नहीं होते हैं तो बुद्धि भी खराब हो सकती है, चिंतन भी गलत आ सकता है। सोचा और तो विशेष नहीं जानता, जुआ खेलना जानता हूं, वो मुझे आता है। देखते हैं जुआ खेलते हैं क्या होता है। जुए में लगा, हजार के हजार चले गए, कुछ नहीं बचा। जुवा तो एक व्यसन है, 7 व्यसनों में द्यूतम च मांसम च, एक व्यसन है। तो जुवे का तो त्याग करे ऐसी चीज। जुवा खेला और सारी हजार रुपये की पूंजी चली गई, अब क्या करूं। एक थोड़ी देर बाद देखा कुछ लोग जा रहे थे जंगल जंगल की ओर, पूछा कहाँ जा रहे हो। हम तो लकड़ हारे हैं, लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, लकड़ियाँ बेच के काम चला। बोला मुझे भी तुम्हारी टीम में मिला लो, आ जाओ। उनका साथी बन गया कि मैं भी लकड़ियाँ काटूँगा।
वो भी लकड़ियाँ काटने लगा और बेचता, थोड़ा बहुत कुछ आता काम चला लेता, लकड़हारा बन गया। दूसरा जो भाई था बीच वाला, वो भी एक जगह बैठकर सोचने लगा कि क्या करूं। वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, सोचा पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है तो और तो क्या धंधा करूं। फिर मन में आया, रे धंधा करना ही क्यों, आराम से रहना है, 1000 रुपये बैंक में जमा करा दूं, थोड़ा बहुत ब्याज आएगा, थोड़ा कोई परिचित लोग होंगे उनसे थोड़ा बहुत कुछ सहयोग ले लूँगा, आराम से रहूँगा, कोई धंधा नहीं करना। बैंक में जमा करा दिए, वो थोड़ा ब्याज आता उससे थोड़ा काम चलाता, थोड़ा बहुत संयम रखता, थोड़ा कोई परिचित और कोई मिल जाते उनसे थोड़ा लेन देन करके काम चलाता। यूँ वह वहाँ जीवन बिताने लगा, समय बिताने लगा। तीसरा भाई जो सबसे छोटा था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छा शिक्षित था, पढ़ाई में खूब श्रम किया था, साथ में दिनमान पुण्य का योग भी अच्छा था, जीवन में भाग्य का भी योग हो, भाग्य का सहयोग बिल्कुल न हो तो विकास में उत्थान में कठिनाई अवरोध आ सकता है। उसके भाग्य की भी अनुकूलता, पढ़ाई भी अच्छी की हुई, खूब परिश्रम करने वाला भी था, पुरुषार्थी था, नया धंधा शुरू किया। ये शहरों में ज्वेलरी के और के धंधे चलते हैं, बॉम्बे में देखो ज्वेलरी ज्वेलरी रिया, और बड़े बड़े शहर हैं सूरत जैसे, जहाँ बड़े बड़े धंधे होते होंगे, वे भी ऐसे बड़े धंधे में लगा। ओ दिनमान का योग, 12 बरस बीते तब तक तो करोड़ों की कमाई हो गई, 1000 रुपये ले गया था, करोड़ों कमा लिए। अब वो दिनांक फिक्स की हुई थी, उस दिनांक में अमुक जगह मिलना तीनों भाइयों को। दो भाई तो पहुंच गए वहां उस दिनांक में, तीसरा भाई आया नहीं, लकड़ आ रहा था बड़ा, जैसे तैसे कोई तरीके से उसको खोजा और प्राप्त किया, तीनों मिले। अब तीनों गांव चलेंगे, तीनों भाई चले, चलते 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 कई दिन लगे, अपने गांव पहुंचे। पिताजी तो वयोवृद्ध हो गए थे, अबव 90 पार में थे, जाके पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया, बहुत माता पिता ने लाड प्यार से उनको बिठाया, खाना खाना खाया, नहाना धोना सब काम किया, थोड़ा दिन में विश्राम किया। शाम को पिता ने बुलाया तीनों को, तीनों गए पिताजी के पास। पिताजी ने सबसे पहले बड़े बेटे को पूछा, बेटा क्या किया कमाई क्या? पिताजी, कमाई के नाम पर कुछ नहीं, गमाई है, गमाई, गमा दिया, 1000 रुपये भी गमा दिया, जुआ खेला था रे। पिता ने कहा, ये क्या किया? कि पिताजी बस जो हुआ वो मैंने साफ बता दिया, कुछ नहीं कमाया, लकड़ आरा बना था, बस खाना खा मिल गया, कहीं रहने का स्थान मिल गया, और खास कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे बेटे से पूछा, बोलो बेटा क्या किया? कि पिताजी न तो कमाया न गंवाया, बैंक में जमा किए वो पूंजी वापस लेकर आ गया, ये 1000 आपके हाजिर हैं। कमाई, उस कमाई कुछ नहीं है, मैं कोई धंधा नहीं किया, मैंने बस बैंक में जमा करा दिए, वो पूंजी एज इट इज आपको ला करके सौंप दी है। तीसरे से पूछा, बेटा क्या किया? बोला, पिताश्री मैं मुख से बताऊं इसकी अपेक्षा मेरी डायरी आप ले लो, पूरा हिसाब, पूरा हिसाब इसमें है, संक्षेप में बता दूं आपका, वो तो करोड़ों कमाए हैं, करोड़ों, पूरा हिसाब डायरी में है। पिता ने उसको छाती के लगा लिया, ऐसा बेटा मिला है। पिता को तो वो बेटा एक तरह से प्यारा, जो कमाई अच्छे करके लाए, संसार के हिसाब से अनेक बातें हैं, एक बात यह भी है जो कमाई करके लाए, कमाऊ बेटा, वो पिता को प्यारा है,
कि कमाई करने वाला घर का काम चलेगा कमाई से। अब यहां हम देखें, यह एक दृष्टांत है। मान लें कि एक बेटे ने सब कुछ गंवा दिया, पूंजी गंवा दी, एक ने गंवाई नहीं, कमाई भी नहीं की, मूल पूंजी रख ली, तीसरे ने करोड़ों की कमाई कर ली, तो संसार के हिसाब से छोटा बेटा सबसे अच्छा है जिसने इतनी कमाई की। इस बात को धर्म के खाते में हिसाब से देखें। हम तीर्थंकर देव के मान लो हम सारे बेटे हैं, हम तीर्थंकर भगवान के मान लें सारे बेटे हैं, हम में से जो आदमी पाप करके हिंसा झूठ आदि करके नरक में त्रियंश में जाता है वो सबसे बड़े बेटे के समान, जिसने वो जुवे में पूंजी गंवा दी। तो मनुष्य जीवन एक पूंजी है, इसको गंवा कर जो नरक त्रियंश में जाए वो सबसे बड़े बेटे के समान है। जो लोग विशेष धर्म भी नहीं करते तो पाप भी विशेष नहीं करते, मरकर वापिस मनुष्य जन्म ले लेते हैं, वे बीच वाले बेटे के समान हैं जिसने मूल पूंजी की रक्षा की, न कमाया न गंवाया। जो लोग साधुपना लेते हैं, श्रावकत्व लेते हैं, अच्छा पालते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, ईमानदारी अहिंसा नैतिकता को रखते हैं, संयम रखते हैं, या तो साधुवादी जो साधु मोक्ष में चले जाएं ऐसे, या देवलोक में जाएं, साधु भी श्रावक आदि लोग भी, वे सबसे छोटे वाले बेटे के समान हैं जिसने मूल पूंजी से करोड़ों की कमाई की। तो मूल पूंजी मनुष्य जीवन है, इससे जो देवगति में गए या मोक्ष में गए, वे तीर्थंकर के मानो सबसे छोटे बेटे के वो समान उस रूप में हो जाते हैं। तो यह शास्त्र में ये जो बात आई है तीन वणिक पुत्रों की, तीन बणियों की, तो हम यह चिंतन करें कि हमारा जीवन कैसा है। बड़े भाई जैसा तो कहीं नहीं है ना, बीच वाले जैसा भी बहुत उत्तम बात नहीं है, छोटे वाले भाई के समान हम बने या रहें, जो धर्म यानी धर्म ध्यान अच्छा जीवन नैतिकता अहिंसा संयम जीवन में हो और त्याग तपस्या हो, ऐसा जीवन जिए ताकि आगे सुगति प्राप्त हो सके। तो यह मानव जीवन हमें जो प्राप्त है बहुत कीमती बहुत महत्वपूर्ण, मानो अमूल्य कह दें एक दृष्टि से, ऐसा अवसर अभी प्राप्त है, इसका हमें फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन मेरा कैसा है। धार्मिक साधना के लिए समय लगाता हूँ या नहीं, भावों में शुद्धता कितनी रहती है, व्यवहार आचरण में ईमानदारी अहिंसा संयम कितने रहते हैं। यों हम जीवन पर ध्यान दें कि साधुपना ले लिया, साधु बन गए, बहुत बड़ी बात है। तो साधु हैं तो मेरा साधुपना कैसे पल रहा है, निर्मलता कितनी है, कहीं गलतियां दोष प्रमाद वो तो ज़्यादा नहीं है ना, प्रतिक्रमण मेरा कैसा होता है, प्रायश्चित लिया जाता है यानी गलती होने पर, और मेरी जागरूकता संयम जीवन के जो नियम विधान इरिया समिति भाषा समिति आदि आदि जो हैं समितियाँ गुप्तियाँ उनमें मेरी जागरूकता कितनी, महाव्रतों में कितनी जागरूकता पालन में। तो साधु इस रूप में ध्यान दे, और साधु को भी उम्र आ गई अच्छी तो भी उम्र के हिसाब से और ज़्यादा अपना जप तप जो कर सकें उसमें ज़्यादा समय लगाएं, सेवा कर सकें तो सेवा करें, और उम्र ठीक है तो खूब सेवा करो, काम करो, धर्म प्रचार करो, पढ़ना लिखना जो कर सको अच्छा शुभ योग का काम करो। गृहस्थ है श्रावक है तो वैसे श्रावकत्व में और ध्यान दें, सामायिक कितनी होती है, 50 वर्ष पार हो गए रोज एवरेज में सामायिक का प्रयास है या नहीं, 50 आ गए 60 आ गए 70 आ गए, कभी सामायिक समाई तो कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी क्यों कभी नहीं, अभी अभी ध्यान दो सामायिक पर भी, 70-60 आ गए हैं सामायिक कभी कर लेते हैं, प्रदूषणा में कभी कर ले, प्रदूषणा तो साल में एक बार आता है 7-8 दिनों का मान लो, तो बाकी साल भर भी 50 पार हैं, गृहस्थ हैं, जैन हैं,
जैन में भी तेरा पंच श्वेतांबर के बीच 50 के बाद तो एवरी डे एवरेज में यानी रोज एक सामायिक हो, ऐसा जितना हो सके प्रयास करो। शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का लक्ष्य प्रयास रखो। यह धार्मिक साधना है जो हमारी पूंजी को आगे पुष्ट करने वाली बढ़ाने वाली बन सकती। तो श्रावकत्व के प्रति जागरूकता, श्रावक के नियम हैं तो नियम ठीक पलते हैं या नहीं, ऐसा नहीं कि लापरवाही प्रमाद दोष लगते रहते हैं, तो श्रावक के नियम वो ठीक पले। कोई जैन नहीं भी है तो कोई मैन तो है ना आदमी, तभी अच्छा जीवन तो जीवो। नैतिकता, ईमानदारी, अहिंसा, संयम, खान पान आदि में संयम, इन बातों का तो ध्यान दो। और जितना धर्म ज्ञान आपके हिसाब से जो अच्छा धर्म ज्ञान हो, शुद्ध हो, तो धर्म ज्ञान करो, मेडिटेशन करो, अच्छी किताब भी पढ़ सकते हो ताकि विचार अच्छे रहें, भाव अच्छे रहें। तो त्याग तपस्या संयम जीवन में है तो यह मानव जीवन की पूंजी बढ़ करके बड़ी ज़्यादा हो सकती है। आगे यह देव गति या कभी मोक्ष गति की प्राप्ति हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्म। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूणम।